हाय गाइस रंजन है। तो हम बात करने वाले आप रो एजेंट कैसे बन सकते हो, तो उसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल में कवर करने में, चाहे उसके लिए ड्यूटी क्राइटेरिया हो, किस पोस्ट पर जाते हैं पहली बार, कौन सा ग्रेजुएशन करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, किसी टाइप का कॉन्टेंट लाते रहते हो। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि हाउ टू बिकम ए रो एजेंट। तो रो एजेंट का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग होता है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज रो, रो क्या होता है वो बेसिकली। तो रो एक ऐसा संस्था है, कह सकते हैं एजेंसी है, जो कि आप गवर्नमेंट कराती है। आप देखते हो जितने भी गुप्त, मतलब कह सकते हैं एजेंट वाली कामें होती है, जो कि गुप्त रूप से आपको काम किया जाता है, अंडर प्रोसेसिंग में जो भी काम चलती है वो सारे रो एजेंट ही करते हैं, ठीक है ना। रो एजेंट के ही अंडर में काम होते हैं, क्योंकि वो देश के है ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वो अपने देश के जितना भी आपको डॉक्यूमेंट से लेकर सारा चीज वो ही हैंडल करते हैं। और आपका ये कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बाहर लीक ना हो, किसी अदर देश में ना जाए, वो सारी चीजें रो को ही ध्यान रखना पड़ता है। या कोई अलग चल रही एक्टिविटी अदर देश में, तो वहां से कैसे लाना है, वहां से कैसे लीकेज करना, वो सारी चीजें रो एजेंट की कामें होती है, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बात कर लेते क्वालिफिकेशन। तो आपको ग्रेजुएशन जो होता है अंडर ग्रेजुएशन, आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट से अच्छी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आप मान लेते हो कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो, तभी भी आप जा सकते हो। स्पीकिंग और एक फॉरेन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। एज लिमिट की बात करें तो 20 से लेकर 56 तक आप जा सकते हो। इंटीरियर सिटीजन आपको होना चाहिए। आपको कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड आपके फैमिली में भी नहीं होना चाहिए। नार्कोटिक एडिक्शन आपको नहीं होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की उतना भी नहीं, बेसिक नॉलेज होना नेसेसरी है, ठीक है ना। फिजिकल और मेंटेलिटी आपको फिट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हाउ टू ज्वाइन, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फॉर्म अगर बात करें तो फॉर्म आपको NNA की यानी नेशनल एकेडमी की आपको एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद इंटेलिजेंस SSC के जो कि होता है एग्जाम, वो कॉन्टैक्ट करवाती है, जो कि CGPE होती है एग्जाम, उसको कॉन्टैक्ट करवाती है कौन, SSC स्टाफ कमीशन करवाती है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो बात कह जाए एग्जाम की, तो ग्रुप ए की एग्जाम होती है, ठीक है ना। उसको जो कि होती है, आप मान लो कि क्वालिफाई किए हो जैसे IPS ये सर चीज, ISC IT पुलिस आर्मी से हो, तो आप लोग रिटर्न एग्जाम नहीं देते पड़ते, कुछ रिक्वायरमेंट की वजह से आपको वहाँ से भी सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। पर आपको अगर जा रहे हो तो आपको ग्रुप ए में जाना है, तो आप आपको एग्जाम दे के पर जाने पड़ेगा। आप फ्रेशर हो, कहीं भी जॉब नहीं किया हो, तो आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो अधिकतर जो भी जाते हैं वो IAS IPS या CID या पुलिस या आर्मी ऑफिसर के ही थ्रू जाते हैं, वो रिक्रूटमेंट जाते करते हैं वो लोग, ठीक है ना। कुछ ऐसे बात करें कि जॉब के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, जो कि आपको इसमें पोस्ट में मिलेगी। देखिए सिक्योरिटी अगर ग्रुप ए ऑफिसर की बात करें तो स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप ए में आती है, ज्वाइंट सिक्योरिटी आ जाती है, सीनियर फील्ड ऑफिसर आ जाते हैं, जिनको बी और सी में ग्रुप में चली जाती है, फील्ड ऑफिसर आ जाते हैं बी और सी ग्रुप में ऑफिसर में चल जाते हैं, डिप्टी सी फील्ड ऑफिसर चल जाते हैं, डिप्टी सिक्योरिटी चल जाती है, ये सारी चीजें इसके अंदर में पोस्ट आ जाते हैं, आप पहुंच करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि देखो ये तो आप पोस्ट की बात हो गई, पोस्ट से पहले आपको ज्वाइनिंग से पहले आपको सिलेक्शन से प्रोसेस से पहले ना सिविल सर्विस, उसमें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में आपको स्टेटन में आपको वहां पर कॉन्डक्ट इंटरव्यू करवाई जाती है। उसका इंटरव्यू करने के बाद ही आपको 1 साल का ट्रेनिंग के बाद आपको वो सारी चीज दी जाती है जो कि रो एजेंसी को आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको जॉब कन्फर्म हो जाती है वो सारी चीजें करने के बाद। तो कैसा लगा वीडियो बताओ, क्या चीज छूटा, क्या चीज उसमें बताना चाहिए था, कमेंट में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो या आपको कमेंट पर वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।